सुबह सुबह मंकी देख लिया, मुझे डर लग रहा है उधर जाऊं ना जाऊं ये फोन ना खोज ले, चुपचाप चला जाता हूँ। सो आज हम जा रहे हैं कुछ स्पेशल जगह, खाटू श्याम जी के जा रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग, और व्हाट्सएप पीपल को दे सेट बैक रोडी के लिए शुरू करते हैं। ड्रोन लेके जा रहा हूँ, ड्रोन से ड्रोन शॉट भी लेने वाले हैं। थार में जाने वाले हैं, पता नहीं सारी फैमिली कैसे थार में आने वाली है। मच्छर डोल रहे हैं, मच्छर यहाँ पे मच्छर। ओ भाई चलो स्टार्ट। लाइट इज गुड, लाइट मैंने ना एक और मंगा रखी, वो भी दिखाऊंगा आपको मैं फटाफट। बाकी सामान जो रखा है ना वो गलत जगह रखा है, स्नो चैन रखी हुई, सिलेंडर रखा हुआ है गैस का, पता नहीं मम्मा ने क्यों रख दिया यहाँ पे। तो सारे एडजस्ट हो गए, देख लो कैसे एडजस्ट हुए, समझ में नहीं आया इतनी छोटी गाड़ी में। और पूरा परिवार आ गया, चलो अब चलते हैं। टाइम हो चुका है 6:40, दो चार मिनट हुए निकले घर से, और किलोमीटर यहाँ से करीबन 248 किलोमीटर दिखा रहा है। तो हम जाने वाले हैं मेन हाईवे से, जाने वाले हैं जयपुर की तरफ जाके पड़ता है ना, जयपुर से पहले मतलब जयपुर हाईवे पे जाके बीच में से कट जाती है, जयपुर होके भी जा सकते हैं, तो दो रास्ते बनते हैं, बाकी पता तो सबको ही होगा। चलो चलते हैं। मॉर्निंग में नहा के ना बड़ा फ्रेश लग रहा है, इतनी जल्दी से उठने का होता नहीं है, आज उठ गए। पर जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि मैं कितना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता रहता हूं, तो सभी बंदे मेरे से पूछते रहते हैं कि मैं इतनी फंडिंग कहां से लाता हूं। सो गाइस, मैं अपने हार्ड एंड मनी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं, जहां से कुछ मुझे रिटर्न्स मिल जाते हैं। सो गाइस, मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं, टिकर टेप, जो कि मेरी हेल्प करती है स्टॉक ETF म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने में। साथ ही साथ दोस्तों, टिकर टेप के प्रोविजन को यूज करने में काफी अच्छे से एनालाइज हो जाती है। टिकर टेप में डाटा बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड मैनर में दिया गया है, जिससे मेरी काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है कि किस स्टॉक को बाय करें, किस स्टॉक को सेल करें। अगर गाइज आप स्टॉक मार्केट में है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही बेस्ट है एनालाइज करने के लिए स्टॉक, ETF और म्यूचुअल फंड को। साथ ही साथ गाइज, अपनी स्टॉक पिकिंग स्किल्स को आपको टेस्ट करना चाहते हो तो टिकर टेप के बीट द स्ट्रीट कॉन्टेस्ट को खेल सकते हो, जिसमें आप 1500 रुपए के अमेज़न वाउचर को जीत सकते हो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आपको सिर्फ गैस करना है बेस्ट एंड वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक ऑफ द डे को। इंतजार किस चीज का, अपना स्टॉक एनालिसिस को आज ही स्टार्ट करें टिकर टेप का यूज करके। लिंक मिल जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन में, जाइए डाउनलोड कीजिए और एनालिसिस स्टार्ट कीजिए। 7 बजे की भीड़ होगी गुड़गांव में, मुझे लग रहा था 8 बजे भीड़ होती होगी, बट चलो कोई नहीं, थोड़ा ही है, इतना ट्रैफिक नहीं है, थोड़ा बहुत है, निकल जाएंगे यहाँ से। दुकान में तो बंद है, दुकान ने खुली होती है तो बस समझ लो घर, मैं तो निकलना बाहर ही हो जाते हैं यहाँ से। पहले टोल टैक्स पे आ गया है, ये गुड़गांव वाला टोल टैक्स है। बाकी अभी रिसेंटली पेटीएम का मैंने ना फास्ट टैग लगवाया, पता नहीं वर्क करेगा नहीं करेगा, डाउट रहता है ना, क्योंकि डबल पे करना पड़ जाता है अगर वर्क नहीं करेगा तो। ऐसे टोल टैक्स 2 या 3 आने वाले हैं, 2 ही आएंगे, क्योंकि इसके बाद हम ना NH8 से हट जाएंगे, अलग चले जाएंगे। भाई कर रहा है काम, पैसे कटे नहीं कटे अब यार, वो तो नीचे आया ही नहीं, वो जो डंडा रहता है वो ऊपर ही था, पता समझ में नहीं आया क्या रहा, फ्री में तो नहीं छोड़ दिया उसने। अभी ना पापा ने एक बात बताई, क्या बता, गुड़गांव वाले एड्रेस पे नहीं लगता वो टोल टैक्स बाई चांस, हो भी सकता है क्योंकि हमने गुड़गांव नंबर लिया है, और इसका रीजन काफी है, कभी आराम से एक्सप्लेन करेंगे कि मैं गुड़गांव नंबर क्यों लेता हूँ। पहले वैसे मैं दिल्ली के ही लेता था, बट अब गुड़गांव के लेने लग गया हूँ, तो काफी रीजन है, आराम से समझाएंगे कभी बैठ के। हाँ क्या ट्रैक्टर कर रहे हैं यहाँ पे, कहाँ से ट्रैक्टर आ जाएंगे हाईवे पे, नहीं देख रहा, बिजी है ट्रैक्टर देखने में, गाड़ी सारी ट्रैक्टर, बस सारी ट्रैक्टर, जो भी गाड़ी है सब कुछ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर है। टैंक फुल करा लेते हैं यहाँ से, आगे राजस्थान में थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, ज्यादा क्या फर्क पड़ने वाला, बट चलो फुल करा रहे हैं तो फिर थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। बाकी कंफर्टेबल हो पीछे बैठ के? नहीं, परेशान हो रहे हो ना यार, ये है नहीं पीछे, 2 बंदों के लिए गाड़ी बस इसको उतार देना, चल भाग जा से। हाँ ट्रैक्टर मिला तुझे कोई ट्रैक्टर? अभी है ना मैप देख रहा था, तो बीच वाला जो रास्ता जो मैं देख रहा था ना वो मिल ही नहीं रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा, बाइक वाले मोड पर डाल के देखता हूँ। हाँ आप दिखाया ना दूसरा रास्ता दिखाया है, और एक और भी दिखाया है, पर वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा दिखा रहा है, देखते हैं कौन सा जाते हैं। फिलहाल आगे ट्रैफिक है थोड़ा सा, इस पर ध्यान दिया जाए, दोनों हाथ में फोन है। शांति शांति, इन्होंने परेशान कर रखा है, पता नहीं मस्ती आ रही है। बाकी ना हमने रूट हमने थोड़ा सा अब ना जयपुर वाले रूट से जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा जल्दी पड़ रहा है। हाँ बेटा आप बताओ, आप सुनाओ। नहीं
ठीक है ना। दूसरा वाला जो रूट है ना वो यहाँ से आता है नीचे से, बट फाइनली डिसाइड किया जल्दी पहुंचेंगे। थोड़ा सा किलोमीटर ज्यादा हो जाते हैं बट टाइम कम लगने वाला है, तो फिर हाईवे बनता है सही। बाकी यार लंबा लग रहा है कि यार जितनी दूर जाएंगे 250 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगा। पहले बार गया जब इतना लंबा लगा नहीं, देखिए पता नहीं टाइमिंग अलग थी, सुबह सुबह जल्दी निकल गए थे, ट्रैफिक भी इसलिए कम मिला था, आज ट्रैफिक भरपूर मिल रहा है। बाकी बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं कि कितनी दूर है पापा, इतना टाइम लग गया है। अभी तो लगा नहीं बेटा, आधे टाइम हुआ है, ठीक है इतना टाइम और लगेगा, घर चलो। अब जा रहे हैं तो बेटा पूरा जाना पड़ता है ना, ऐसे वापस नहीं चलते। कहाँ जा रहे बेटा हम? पूरा नाम बताए कर, ऐसे नहीं खाटू थोड़ी ना जा रहे हम, खाटू श्याम जी जा रहे हैं बेटा, खाटू सांड ना, सांड ना श्याम। इसमें ना टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिखा रहा है और हमें पता है सेल्सियस का, फ़ारेनहाइट समझ में नहीं आता। हम यूएस में तो रहते नहीं, जहाँ फ़ारेनहाइट में मोस्टली बताते हैं टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट ही चलता है वहाँ पे, और यहाँ पे हम देखते हैं हमेशा सेल्सियस में, तो समझ में नहीं आ रहा टेम्परेचर क्या है इसका। सेटिंग देखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा टेम्परेचर बाहर का क्या है एग्जैक्टली, इफेक्ट फील हो जाता है फील थोड़ा बहुत अगर हाथ बाहर निकाले, बट स्टिल अगर पता चल जाए तो इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो क्या बात है, बहुत बढ़िया होगा। हाँ परेशान हो रहे हो ना, पीछे तो तुमने पूरा घर बना रखा है। तेरे दांत कहाँ गए? इधर से तो रास्ता बंद है, पीछे से भी रास्ता बंद था जो रीरूट कर रहे थे, अब समझ में नहीं आ रहा था कि पूछ के आते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, भीड़ ज्यादा है क्राउड ज्यादा है इसलिए बंद कर रखा है, समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ से भी मुझे बंद लग रहा है। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, तो ये है क्या, ये कि पैदल पैदल चल के आ रहे हैं, ये वो है जो पैदल आए भी है और जाएंगे पैदल, है ना। पहुंच गए, गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, क्राउड बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा क्राउड है। और पहले यहाँ पे जब मैं पहले सेकंड टाइम आ रहा हूँ बता दूँ आपको, पहली बार आया तो यहाँ इतनी भीड़ नहीं थी, अब देखोगे भीड़ है। और बोरा गेट, गेट से एंट्री करने के बाद यहाँ पे नगर पालिका की पार्किंग थी तो वहाँ पे पार्क कर दिया है, उससे लेफ्ट वाले रास्ते पे जाते हैं तो मंदिर आता है, राइट साइड में पार्किंग आ जाती है। बाकी होटल वोटल बने हुए हैं, खाने का ऑप्शन मिल जाएगा, फिर लंच वगैरह करेंगे, अभी फिलहाल तो मंदिर में जा रहे हैं। और बाकी जूते ना अंदर रख के आए हैं सभी, जूते चप्पल जो भी पहन के आए थे सब अंदर रख के पैदल चल रहे हैं। अभी वैसे ना मार्च का महीना है तो इसलिए कितनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, पैर नहीं चल रहे हैं, नहीं तो गर्मियों में आ रहे हो तो चला भी नहीं जाता है, तो काफ़ी टफ हो जाता है, बट तब शायद अंदर ही ले जाने पड़ेंगे। अनिशा जूते अगर मान फुल गर्मी आ रहे तो क्या करेंगे, जूते लेके पहन के जाना ही पड़ेगा, या तो चप्पल पहन के आओ सबसे अच्छी बात है, चप्पल लेके आओ, एक्स्ट्रा कैरी करो और वहीं पर रखवा दो। पता नहीं आगे ही बता रहे हैं, यहाँ तो भीड़ भी नहीं है क्राउड भी नहीं, एकदम से ख़त्म हो गया, पीछे सब कुछ था यार, समझ में नहीं आ रहा सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, पूछना पड़ेगा किसी से। तो अभी क्या हुआ है कि मंदिर जो था ना वो वहीं पर था, बट वहाँ से बंद कर दिया रास्ता, क्योंकि होली है और इसलिए क्राउड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए घूम के फिर नहीं जाना पड़ेगा, काफ़ी लंबा चलना पड़ेगा, 1 किलोमीटर बता रहे हैं, बाकी ये पता नहीं शॉर्टकट है कैसे है। सो जगह जगह ना लाइन सी ऐसे बना रखी है जिससे है ना क्राउड सोच सकते हो कितना होगा, कि पहले पीछे भी देखा था और यहाँ पे भी देखा था, तो यहाँ पे भी अच्छा क्राउड होगा तभी ऐसे लाइनें बनी हुई है, बट अब इतना क्राउड तो नहीं रहा क्योंकि मेला वोला लगा था वो ख़त्म हो गया है। मैंने सब मेला था ना 2-3 दिन। अगर बाहर से प्रसाद मिले तो यहाँ पे भी मिल रहा है प्रसाद, बाकी बहुत घूम लिया यार, कहाँ से घूमते आ रहे हैं, बहुत टाइम लग गया है, दर्शन करना इतना आसान नहीं, बहुत लंबी लाइन लग गई है। ये सबसे कर रही है कितना और चलना पड़ेगा, कितना बस आ गया, आधा हो गया है, आधे और चक्कर काटने यहाँ से और पहुँच जाएंगे। दर्शन है ना अच्छी तरह से हो गए हैं, बाकी बच्चे थे साथ में तो थोड़ा सा जल्दबाजी तो रही थी, इनका भी ध्यान रखना पड़ता है इधर में कहीं गायब ना हो जाए, बाकी मानवी जूते पहन के आए थे, जूते देखने पड़ेंगे इधर।
कहाँ से लेना है? एग्जिट पॉइंट दो थे, एक ये वाला एक परला वाला, तो इस वाले से जाना पड़ेगा। नॉर्मली एंट्री इधर से होती है, बट ऐसे घूम के गए हैं, उसका के दर्शन हुए हैं। भीड़ आप देख ही रहे हो कितने ज़्यादा है, थोड़ी सी कम हुई है इसलिए। भाई कॉटन कैंडी खा रहे हैं, ट्रैक्टर ले लिया ट्रैक्टर। पसंद आया तुझे? हाँ सर। है ऐसा क्या मन कर रहा है खाने का? तुम्हारा दांत? अच्छा रोटी नहीं खानी है? तुम्हारे दांत कहाँ गई है बताओ? मैं तो ये वाली मैंने देख के डर गया था, मतलब यहाँ पे भी रोटी नहीं मिल रही है। करीन ने भाई ने दिखाया कि दूसरी रोटी, रोटी वाला मेन्यू दिखाया, मैं बोला हाँ सब्जी रोटी है, उसी से पेट भरेगा। पी लो बेटा, मैं तो पीऊँगा नहीं। 1000 से ऊपर पे खाना खा गया और तब भी कह रहा ठीक था, कोई नहीं होता है। आइसक्रीम के बिना कोई खाना? आइसक्रीम खा ली ना? नहीं। क्यों नहीं खाई? पापा ने खाई, मुझे वो अच्छी नहीं, अच्छी नहीं लगी। बटर स्कॉच वैसे भी महंगी बहुत थी, 80 रुपए की वो एक कप सा मिल रहा था, 80 रुपए का। सोच रहे हो कितनी महंगी है, तो यहीं पे महंगी होगी यार। मेरे ख्याल से लोकेशन थोड़ी है ना ऐसा, ये खाटू में यहाँ मिलता हो। खाना भी थोड़ा महंगा ही लगा मुझे, इतना ठीक नहीं था, मतलब खाना ठीक था बट प्राइस वाइज ठीक नहीं था। फाइनली हाईवे पे आ गए, बट यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रैफिक है। इस बार ना रूट थोड़ा सा डिफरेंट लिया था, अंदर आए थे और रूट अच्छा नहीं था, काफ़ी दिक्कत हुई, थक गए वैसे एक्चुअली। हम बताएं तो वो जयपुर वाला जो रूट है, मेन रोड ये जो हाईवे वाला नहीं, ये वाला रूट बहुत ही बढ़िया था। थोड़ा सा लंबा पड़ता है, 20-30 किलोमीटर का फर्क पड़ता है, बट टाइम भी कम लगता है, प्लस रूट भी अच्छा है। थोड़ा सा ट्रैफिक होता है बट आप एक कॉन्स्टेंट स्पीड पर चल पाते हो अच्छी तरह। आज है ना बहुत ज़्यादा थक गए हैं, मतलब पूछो मत, 9 बजने को जा रहे हैं। सुबह है ना 5 बजे उठे थे और 5 बजे से लग रहे हैं और 9 बजे पहुंचे हैं। थोड़ा सा दूर पड़ता है यार, एक दिन के लिए अप डाउन करना फैमिली के साथ, और फिर गाड़ी भी थोड़ी सी ना इतनी कंफर्टेबल थी। मेरे लिए तो ठीक था, मैं ड्राइव कर रहा था, ऑटोमेटिक गाड़ी थी, बार बार गियर को चेंज करने की दिक्कत नहीं थी, तो इसलिए मुझे तो इतनी दिक्कत नहीं हुई, बाकी को सबको दिक्कत हुई होगी। सही है यार, अगर आपको पीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और ऐसी वीडियो आती रहेंगी। एक दो प्लान अभी बनाए हैं, जल्दी ही वो आने वाले हैं, ट्रिप के प्लान हैं मस्त मस्त जबरदस्त वाले, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन जरूर दबाइए। चलिए मिलते हैं ऐसी वीडियो में, लिव लाइफ लिव ब्यूटी, बाय।